So, how many people in the crowd are late comers? Give me a cheer. Not to this show. कि लाइफ में कहीं पे बुला लो हम लेट ही आएंगे. वो नाइस, एक अंकल भी आ गए लास्ट में. तो बेसिकली व्हेन एवर यू आस्क द क्राउड हाउ मेनी लेट कमर्स इन द ऑडियंस, तो वो बेचारे खड़े हो जाते हैं. दे आर लाइक हाँ टेल अस अबाउट अस. एंड आई टेल यू व्हाई लेट कमर्स आर ऑलवेज लेट. लेट कमर्स आर ऑलवेज लेट बिकॉज दे आर ऑल अटेंशन होर्स. That's why they always, they walk in only like that. कि क्या चल रहा है यहाँ पे? Fuck that. मैं आ गया ना, मुझे देखो. एक बार हम एक शो कर रहे थे, एक अंकल 45 minutes लेट है. I apologized to him. I said sorry to start on time. He did not get the sarcasm. He was like, कोई नहीं होता है कभी कभी. What? Like I said, late comers are attention whores. ठीक है, क्यों सबसे बड़ा late comer पता है कौन है? वो बंदा जिसके पास वो वाली बाइक नहीं होती. क्योंकि ये बाइक आपने क्यों खरीदी है बताइए. ये बंदा आपके बालकनी के नीचे चार बार जाता है 20 मिनट में. जूम, ये जा तो रहा है लेकिन पहुंच कहीं पे भी नहीं रहा. जब भी जाता है मेरी नानी हमेशा बदवा देती, मरे मुआ. जूम, लेकिन एवरीडे पर जाता है यार वो, कि बदवा काम ही नहीं कर रही. ये बाइक वाले में मुझे इतना गुस्सा आता है, ये बाइक जिसके पास भी ये पकड़ो और जलाओ. इनका रिलीजन मत देखो, ये वाली बाइक बस पकड़ो और जलाओ. और ये बाइक अगर आपके पास है ओके, तो इस पे बैठ के आप जान बचाने के लिए ही निकल सकते हो. जूम, ये बाइक पे बैठ के दही लेने कौन जा रहा है? ये दही कहाँ डालेगा? अपने गांव में डाल के मुंह से निकालेगा क्या? जूम, दूसरे जो अटेंशन होर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा, इज एम्बुलेंस. और जैसी एम्बुलेंस आती है, ठीक है, सब पे प्रेशर बन जाता है कि सबसे बेस्ट सिटीजन तो मैं ही हूं, सबसे फास्ट तो मैं ही हटूंगा सामने से. और एम्बुलेंस वाले, ठीक है, यू आर डूइंग अ नोबल थिंग, बट तुम लोग इतना फास्ट चला के जा रहे हो, ऐसा लगता है कि हमको ही उड़ा के जाएंगे यार. एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई एम्बुलेंस पीपल डू दैट इज बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस, बिकॉज दे आर एम्बुलेंस. अगर किसी को उड़ा भी दिया तो ये कह देंगे बैठिए 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 बैठिए, चलिए चलिए चलिए, टाइम नहीं है हमारे पास. उनको कौन पकड़ के मारेगा? वो एम्बुलेंस है. बिगेस्ट अटेंशन होर. लेकिन मेरे को तो सोसाइटी में भरोसा कब होने लगा, जब एम्बुलेंस निकलती है, आप लोगों को भी होने लगा होगा कि एम्बुलेंस निकलती है तो एक बाइक वाला हमेशा एम्बुलेंस के पीछे पड़े आता है, क्योंकि उसको लगता है उसने तोड़ निकाल लिया है. अब तो तेरा भाई देख कैसे निकलेगा. मुझे सोसाइटी में पता है भरोसा कब होने लगा, जब सारे गाड़ी वाले मिलके कहते इसको रोक. फिर मर्सिडीज है कि होंडा है, सब मिलके काम करते, भड़वे को रोक, तू जाएगा हाँ, और हम यहाँ पीछे खड़े रहेंगे. आई लव इट. ओके, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को मैंने कहा कि मैं लेट कम हो रही, ठीक है, तो अब मैं लेकिन टाइम पे आती हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड अप करती हूँ और स्टैंड अप में ऑडियंस एक दूसरे को जोक नहीं सुनाती. बट बिफोर दिस आई हैड अ जॉब, और जॉब का तो ये होता है ना, 9 to 5 9 to 5 9 to 5, दे आर पेइंग यू टू बी ऑन टाइम. मुझे लगा वो 9 to 5 इसलिए कह रहे हैं कि हम तो 9 to 5 खुले हैं, तुम देख लो तुमको कब आना है. तो मैंने अपना पिक कर दिया 2 to 4. मैं एवरी डे लेट जा रही हूँ, ठीक है. एक दिन मैं लेट गई ऐसे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि इसको आज तो पूछ के रहेंगे वो गोल्डन क्वेश्चन जिससे इसकी जिंदगी बदल जाएगी. सो दे पुट मी ऑन द स्पॉट, ठीक है, एंड दे आस्क्ड मी व्हाई आर यू लेट. सबको लगता है कि ये वाला तो वो, किसने पूछा ही नहीं होगा इसको. तो अगर आपको भी कोई पूछे, ठीक है, आप लेट कवर हो, व्हाई आर यू लेट, तो उस वक्त ना ये कर देना, एंड यू कैन वॉक अवे लाइक अ बॉस, बट दिस विल
will work only once. After this, you have to quit your job. लेकिन एक बार काम करेगा ठीक। आप वहाँ पे खड़े होने ने मुझे पूछा, Why are you late? तो उस वक्त ना मैंने चिल्ला दिया कि I don't want to talk about it. They still call me. They are like, don't want to talk about it. मैम प्लीज बता दीजिए क्या हुआ था आपके साथ उस दिन। स्पेशली अगर आप मेल बॉस को कह दो ना कि आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट, कि गांड ही फट जाती है। उसने तो एचआर को कॉल लगा लिया कि मुझे बता क्या करना होता है जब लड़की बता दे कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये नहीं सिखाया ना मुझे आई आई एम बैंगलोर में।